न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू, आप नए अंदाज में। सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से मिलने नागरिक अस्पताल पहुंचे कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी ने कहा कि इस प्रकार की घिनौनी करतूत की अपने ही कोच की बेटी से दरिंदगी करना शर्मनाक है। ऐसे लोगों को कानून सख्त से सख्त सजा दे। वे आज रेवाड़ी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज के लोग न अपने शिष्य को समझते हैं और न ही उनकी बहन बेटियों को, और उनके साथ भी इस तरह गिरी हुई हरकत करते हैं। इतना सख्त कानून होने के बाद भी पुलिस ने 3 दिन तक पीड़ित परिवार को एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर कटवाए। शुक्र है मीडिया का जो इस मामले को उजागर किया और पुलिस भी हरकत में आई। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश के हर जिले में धूमधाम के साथ महिला थाने खोले गए थे, लेकिन अब वहां भी जाति पाति और तेरा मेरा होने लगा है। मामला दर्ज करने में देरी करने वाले पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जींद की विधायक द्वारा सामूहिक दुष्कर्म पर दिए बयान को लेकर कहा कि एक तो सरकार बेरोजगार युवाओं को नौकरी देती नहीं है और ऊपर से महिला होने के बाद भी ऐसी बयानबाजी करना उचित नहीं है। जो 7-7 बार मंत्री रहे हो और युवाओं को नौकरी देने की बजाय ऐसे शर्मनाक बयान दे रहे हैं, मैं तो मंत्री जी से कहूंगा कि उनकी पत्नी को समाज के सामने माफी मांगनी चाहिए। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए अजय सागर अत्री के साथ संजय कौशिक की रिपोर्ट। प्रकार की घिनौनी करतूत को एक अपने ही कोच अपने ही शिक्षक के साथ कोई इतना दुर्व्यवहार अपने घर के भेद जानने वाले लोग करेंगे, किस पे बिलीव किया जाएगा? आज मॉरल इतना डाउन हो चुका है कि लोगों ने ना अपने शिक्षकों को समझते हैं ना अपनी बहन बेटियों को समझते हैं, लेकिन कानून सख्त से सख्त बनाए जा रहे हैं, कानून का डर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए जब तक इस कानून की पालना में अगर मीडिया को ही बीच में आकर के केस दर्ज कराने हैं और 3-3 दिन तक लोगों को घुमा करके केस भी दर्ज नहीं किए जाएंगे तो बांछें तो अपराधियों की खिली ही रहेंगी। मैं तो फिर भी बधाई देता हूं मीडिया को कि कम से कम उन्होंने इस परिवार के संकट को जानते हुए अपना फर्ज निभाया और इसको इस मामले को उजागर किया। और मैं जहां मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करते हुए उस परिवार से भी ढांढस बंधाने का प्रयास कर रहा हूं कि हम इस बच्ची को, हमारे साथ में सतीश यादव जी हैं यादव महासभा के प्रधान और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के महासचिव, इनके 2-2 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनको हमने आश्वस्त किया है कि अभी हम पूरी आपकी 3-4 साल की जो पढ़ाई है उसका खर्चा हमारी टीम पूरा का पूरा स्वयं वहन करेगी, एक भी पैसा आपसे नहीं लेंगे। जो 1.5-2 लाख रुपये का मंथली ना एनुअल खर्चा होता है एक बच्चे का पढ़ाई का, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी तरह का भी कोई इनका बच्चे का खर्चा नहीं लगने देंगे, लेकिन ये परिवार सदमे से बाहर आए इसकी ढांढस बंधाने के लिए हम इनके साथ आए। सुरक्षा को संरक्षण देने के लिए महिला थाने खोले गए थे, लेकिन अगर वहां भी जाति पाति का ध्यान रख करके संरक्षण दिए जाएंगे, वहां भी अगर मेरा और तेरा परखा जाएगा तो मुझे लगता है कि इंसाफ किसी की ना किसी परिवार की बपोती बन के खड़ा हो जाएगा और लोग जो है ना स्ट्रेस करने पर आंदोलन करने पर आमादा हो जाएंगे तो देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पड़ जाएगा। हमें सब उन अधिकारियों को इस बात का जरूर कुछ ना कुछ दंड मिलना चाहिए जिन लोगों ने इसमें विलंब किया। आरोपियों को गिरफ्तार करने का जब मौका इतना दे दिया सरकार ने तो बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि कम से कम सरकार को इन थाने खोलने के पीछे अपने कर्मचारियों अधिकारियों के पीछे एक बार संज्ञान में लेते हुए उनके खिलाफ भी कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए जिन लोगों ने इसमें विलंब किया। कहूंगा आज कहीं ना कहीं मीडिया जो है ना हमारे इस समाज के अंदर बढ़ते अपराध को उजागर करने में बहुत तत्परता से अपनी भूमिका निभा रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, एक तो युवाओं को नौकरी ना देना जबकि परिवार के लोग मंत्री और एक बार नहीं 7-7 बार मिनिस्टर रहे हों, प्रदेश में सर्वे सर्वा रहे हों और वो ये बयान दें, उनके परिवार के एक विधायक होने के नाते एक महिला होने के नाते ऐसे बयान देंगे तो हम इस शब्द की कड़ी निंदा करते हैं कि बेरोजगार युवा ऐसा कर रहे हैं और वो इस वजह से कर रहे हैं। अरे आज बेरोजगारों का उपहास उठाने के लिए आपके पास ये शब्द बचे थे, आप उन परिवारों को समझाएं जो लोग इन बातों में संलिप्त हो चुके हैं। सभी बेरोजगारों को किसी एक आंकलन से तोलना ये उनके खिलाफ अपमान ही नहीं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। बयान में उसे माफी मांगनी चाहिए।
और हमें मंत्री महोदया से भी अपील करते हैं कि ये किस बात की विधायक बनाए हैं आपने, जिनको यही पता नहीं कि मैं बोल क्या रही हूं।